हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब हम लोग 9 चैप्टर पर हैं और आप हम लोग जानते हैं कि 9 और 10 मिला करके 14 मार्क्स का वेटेज है और ये बहुत बड़ा वेटेज है। इसके एक एक टॉपिक को बेसिक लेवल से हायर लेवल तक मैं बताऊंगा और मैं हूं तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम आए, स्क्रीन पर हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप कोई भी न्यूमेरिकल है या कोई क्वेश्चन है आप उस पर लिख करके भेजो और मैं रिप्लाई करूंगा। इसके पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जब ही जाएगा जबकि आप सब्सक्राइब्ड हो। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, इनके ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, लाइक ये ग्लास और इधर वाटर, या इधर ग्लास इधर एयर, कुछ भी ले लेते हैं। तो अगर ये लाइट इंसिडेंट कर रही है इंटरफेस पर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा, कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और कुछ लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन जिस लाइट का रिफ्रैक्शन होगा उसका जो आर है वो आई से ज्यादा होगा, बिकॉज इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर हम इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बड़ा कर दें, थोड़े से और बड़ा कर दें, तो क्या होगा, क्या होगा, लाइट और बेंड कर जाएगी और यहाँ भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होगा ही। ये आई और ये आर, एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द लाइट गोज थ्रू द सरफेस ऑफ इंटरफेस अप टू मीडियम, दोनों मीडियम जहां मिलती है उसको इंटरफेस बोलते हैं। लाइट बिल्कुल इंटरफेस से होती हुई चली जाती है, यहां भी रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर ये आर जो है ये 90 डिग्री हो गया। एट दैट मोमेंट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, और इसको आई सी से या कई लोग सिर्फ सी से लिखते हैं। यहां भी कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन तो होगा ही, और अगर रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट करती है तो लाइट का टोटली रिफ्लेक्शन हो जाएगा इन द सेम मीडियम। कहने का मतलब ये कि सारी के सारी लाइट सेम मीडियम में लौट आती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल यानी सारे लाइट, इंटरनल मतलब अंदर की तरफ आ गई, रिफ्लेक्शन का मतलब सेम मीडियम में लौट के आ रही है ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी हम लोग पहले इसको देखेंगे और फिर इसको, और फिर TIR के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल
एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया आपको, ये इंटरफेस है विच सेपरेटिंग टू मीडियम, ये डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम। व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज एट अ पर्टिकुलर एंगल फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, आर कितना हो गया 90 डिग्री, एट दिस मोमेंट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। आई को क्या लिखेंगे, आई सी, और आर को लिखेंगे 90। हाउ इट कैन बी डिफाइन, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इट इज कॉल्ड, इट मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब इसमें हम लोग रिलेशन देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में क्या डिफरेंस है। चूंकि लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है तो इसको मीडियम फर्स्ट, इसको मीडियम सेकेंड लिखेंगे। फ्रॉम स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज एन टू वन। है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यहां आई के बदले क्या लिखेंगे, आई सी, और लिख सकते हैं साइन आई सी। अगर साइन आई सी हो जाता है, साइन आई सी यानी क्रिटिकल एंगल हो जाता है, एट दैट मोमेंट आर किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। साइन 90 डिग्री इजिकल्स टू एन टू वन। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू वन इजिकल्स टू साइन आई सी, राइट। बट हम लोग लेते हैं चूंकि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। हम लोग जानते हैं कि एन टू वन इजिकल्स टू होता है 1/n12, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, और ये हो जाएगा साइन आई सी और n12 इजिकल्स टू हो गया आपको 1/sin आई सी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल, राइट। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, n इजिकल्स टू, अगर ये
एयर हो, यहाँ पर अगर ये एयर है और ये ग्लास है या वाटर है कुछ भी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर इज इक्वल्स टू 1/sin C, है ना। आई सी को कई लोग सी लिखते हैं, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है मिराज। मिराज और मिरेज ये है क्या? इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा है। कहीं डेजर्ट एरिया में काफ़ी समर डेज में, है ना, काफ़ी हॉट डेज में जब देखा जाता है तो दूर दराज में कहीं पानी नज़र आता है, एनिमल्स वहाँ भाग करके जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि पानी नहीं है। फिर वो दूसरे पेड़ पौधे देखते हैं दूर, वहाँ पर पानी होगा, फिर वहाँ भागते हैं। इस तरह से वो भागते भागते मर जाते हैं। जब हम बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, कभी आपने भी ऑब्जर्व किया होगा वेरी समर हॉट डेज में क्या होता है कि दूर दराज रोड पर, स्पेशली हाईवे पर पानी नज़र आएगा रोड पर। पानी मीन्स भीगा हुआ रोड लगेगा, लेकिन आप वहाँ जाओगे तो कुछ भी नहीं, ड्राई रोड है। इट इज़ ड्यू टू ऑप्टिकल इल्यूजन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिरेज। ये होता कैसे? ये TIR के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। हॉट डेज में होता क्या है कि जो अर्थ सरफेस है वो काफ़ी गर्म रहता है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं गर्मी कम होती चली जाती है। इसका मतलब है कि लोअर सरफेस की डेंसिटी जो है, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो कम होगी, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डेंसिटी बढ़ती चली जाती है ना। तो मान लिया ये एटमॉस्फेयर का लेयर है, ये लेयर है, डिफरेंट लेयर्स हैं, ये रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, फिर डेंसर, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं डेंसर होता चला जाता है। अब देखिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर से जब रेयर में आती है, तो यहाँ अगर हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, तो इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे चली जाती है। फिर यहाँ आया, यहाँ पर, तो फिर क्या हुआ, ऐसे चली गई। फिर यहाँ पर, इस लेयर पर, यहाँ पर लेकर आओ, इस लेयर पर, और ये ज़्यादा मुड़ गई। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो इंसिडेंट एंगल होगा आई, वो ग्रेटर देन हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, है ना। या ऐसे देखो, आई इज ग्रेटर देन आई सी। जब ग्रेटर हो जाएगा तो क्या होगा, ये उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, यानी TIR हो जाएगा। अब ये ऊपर की तरफ, और अगर यहाँ से हम देख रहे हैं, मान लिया यहाँ से देख रहे हैं हम, तो क्या होगा, हमें लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से आ रही है ना। इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगा। इन्वर्टेड इमेज बच्चों कहाँ बनता है, वाटर पूल के पास, जहाँ वाटर बॉडी हो, लेक, पॉन्ड, है ना। तो यहाँ से हम समझते हैं कि वहाँ पर चूंकि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो पानी होगा, और यही इसी को बोलते हैं मिरेज और मिराज। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, सेकेंड एप्लीकेशन,
फर्स्ट एप्लीकेशन मिरेज था, सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर वो होता है 2.42। क्रिटिकल एंगल कितना होगा भाई, रिलेशन वही है साइन सी इजगल्स टू 1/n। तो यहाँ से अगर सी या आई सी लिखो, तो आई सी जब हम निकालते हैं तो ये आता है क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री। ये तो पॉइंट आपको लिखना है। फर्स्ट लिखना है कि ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज, राइट। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, हैंस क्रिटिकल एंगल इज 24.4 डिग्री। द डायमंड इज कट सो एज द मोस्ट ऑफ ऑल रे इंसिडेंट ऑन द डायमंड ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल दैट इज 24.4 डिग्री। डायमंड जो नेचुरल डायमंड होता है ना उसमें ब्रिलियंसी इतनी नहीं होती है। डायमंड की जो ब्रिलियंसी है, चमक है, वो डायमंड के तरासने पर डिपेंड करता है। तरासना मीन्स कटिंग करना। डायमंड को इस तरह से कट किया जाता है, उसको इस तरह से कट किया जाता है कि उसके हर एक फेस पर मैक्सिमम जो लाइट है वो आएगा ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी 24.4 डिग्री से ज़्यादा। ये तो बहुत कम एंगल है। और वंस अगर लाइट आ गई इसके अंदर, ये एंगल हो गया सर, यहां से ये नॉर्मल डाला ये एंगल, तो मोस्ट ऑफ द रे ऑफ लाइट कम्स इनसाइड डायमंड ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल एंड हैंस इट गोज मल्टीपल रिफ्लेक्शन इनसाइड द डायमंड। अंदर जा करके लाइट रेज उसी के अंदर घूमती रहती है। ड्यू टू सो इट ब्रिलियंस, इस तरह से वो चमकता है। आगे बात समझ में, आप लिख लोगे, लिखेंगे पहला लाइन इट इज ड्यू टू TIR, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, hence the critical angle 24.4 degree. The diamond is cut so as the angle of incidence becomes greater than the critical angle, and hence it undergoes multiple TIR. And light moves inside the diamond due to so it brilliance, right? Okay. Third application है prism. Prism के through light को 90 degree से मोड़ सकते हैं, 180 degree पर मोड़ सकते हैं light, या inverted image बन सकता है। देखिए कैसे, ग्लास प्रिज्म, ग्लास की बात करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 एंड क्रिटिकल एंगल
अप्रॉक्स 42 डिग्री, 41 पॉइंट समथिंग होता है, तो अप्रॉक्स 42 डिग्री हम ले लेते हैं। अब देखें, अब यहां पर आइसोसेल्स प्रिज्म है, जिसको कि पोरो प्रिज्म भी बोलते हैं, पोरो प्रिज्म। आइसोसेल्स जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड, इसको ए बी सी दे दिया प्रिज्म। अब देखिए, मान लिया यहां पर एक ऑब्जेक्ट एल एम ऑब्जेक्ट, यहां से लाइट यहां से तो सीधी चली जाएगी क्योंकि ये नॉर्मल बनता है बी पर। जैसे ही एसी फेस पर गई लाइट, यहां पर हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये वाला एंगल, चूंकि आइसोसेल्स प्रिज्म है, ये हो जाएगा 90, ये 45 और ये 45। अब इस ट्रायंगल में लेते हैं ए, इसका नाम दे दो डी, और इसको ई दे देते हैं नाम। तो ट्रायंगल ए डी ई में ये 45 हो गया, ये 90, तो ये 45 है ना, और चूंकि ये नॉर्मल है तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, यानी एंगल आई जीगा कितना हो गया 45 डिग्री। निकाल के देखो आप, 45 डिग्री विच इज ग्रेटर देन आई सी, आई सी कितना है 42 डिग्री। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, टी आई आर होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये 45 तो 45 पर ये मुड़ेगी, यानी 90 पर, ये 45 ये 45 टोटल 90 हो गया, तो 90 डिग्री पर ये मुड़ करके यहाँ पर और ये सीधी निकल जाएंगे। चूंकि L से लाइट आ रही थी, इसको L डैश देखेंगे, और फिर उसी तरह से M से लाइट आएगी तो इसको M डैश बोलेंगे, और ये इमेज बन जाएगा लैटरल इन्वर्टेड। देखिए, तो 90 डिग्री पर यहाँ पर लाइट को मोड़ना था, तो यूज़ किया गया प्रिज्म का। उसी तरह से इसके कई सारे यूजेस हैं, एक और हम लोग देख लेते हैं, 180 डिग्री, इसको सेकेंड ले लेते हैं, ये फर्स्ट। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हमने इधर कर दिया, ये हो गया एक फेस और ये हो गया दूसरा फेस, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं हम लोग, ये और यहाँ पर 90 डिग्री होगा, होगा ना। अब यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा, ए बी ले लिया, यहाँ क्या होगा, यहाँ से लाइट सीधी निकलेगी, फिर यहाँ, फिर टी आई आर होगा यहाँ, फिर टी आई आर होगा यहाँ, चूँकि ए से निकली थी लाइट इसलिए इसको हम लोग ए डैश बोलेंगे। फिर उसी तरह बी से, बी से इसको बी डैश बोलेंगे, और यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनेगा ऑन द सेम साइड। या तो आपसे पूछेगा बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री और बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री, है ना, और बाय 180 डिग्री, तो हम लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो था प्रिज्म। फोर्थ एप्लीकेशन है इसका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स बच्चों आपने बहुत देखा होगा, जब कम्युनिकेशन में मैसेज सिग्नल के लिए प्रॉब्लम होने लगी थी, जब वायर के केबल थे, वहाँ पर
थाउजेंड्स लैक्स ऑफ मैसेज अगर भेजना हो एक साथ तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगे थे, तो फिर इन्वेंशन होता है ऑप्टिकल फाइबर का। फाइबर से एक ऑप्टिकल फाइबर से जो कि बहुत ही पतली फाइबर है उससे मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ मैसेज को भेजा जा सकता है आसानी से विदाउट एनी लूजेज ऑफ एनर्जी। बहुत कम मतलब 1 किलोमीटर तक अगर मैसेज को भेजना है तो मैक्सिमम 5% सिग्नल उसका ड्रॉप आउट होता है यानी वेस्टेज होता है ना काम की चीज। मेडिसिन डिपार्टमेंट में यानी मेडिकल डिपार्टमेंट में एंडोस्कोपी में काम आता है, जैसे कि स्टोमेक के इंटरनल ऑर्गन देखने, तो इसी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सारा का सारा लीवर इंटेस्टाइन सारे का फिगर मॉनिटर पर आ जाता है और डॉक्टर डायग्नोस कर सकता है उसमें क्या प्रॉब्लम है कहाँ प्रॉब्लम है, राइट। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ डेकोरेटिव मटेरियल्स में भी होता है, देखा होगा आपने कहीं मेले में या कहीं शॉप पर जाओ जो कि डेकोरेटिव मटेरियल बेच रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्टिकल फाइबर मिलेगा। इस तरह के कंटेनर्स होते हैं, इस तरह के कंटेनर्स होते हैं और नीचे एक बल्ब जल रहा होता है ना, एक कनेक्शन दे देते हैं यहाँ पर बैटरी या सेल कुछ डाल देते हैं और उससे बल्ब जलता है और यहाँ से इस तरह से बहुत सारे फाइबर्स निकाल करके है ना ऐसे गुलदस्ते की तरह बिखरा देते हैं। अब होता यूँ है कि ये लाइट जब जलती है तो यहाँ पर लाइट की बूंदें दिखाई देती है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसी तरह आपको दिखेगा कि लाइट की बूंदें दिख रही है, तो बहुत बढ़िया लगता है देखने में। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर के हैं, यूजेस हैं ऑप्टिकल फाइबर के। अब ऑप्टिकल फाइबर है क्या, ऑप्टिकल फाइबर के कंस्ट्रक्शन की बात अगर हम करें इसके मेन दो पार्ट्स होते हैं, एक इनर और एक आउटर। इनर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं कोर, इसको कोर बोलते हैं, ये डेंसर मीडियम होता है, ऐसे मटेरियल का होता है जिसका कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो। और ये जो पोर्शन है बाहरी पोर्शन इसको बोलते हैं क्लैडिंग। ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ बाय टू मटेरियल्स, कोर मटेरियल इज ऑफ हायर ऑप्टिकल डेंसिटी एंड क्लैडिंग हैज लोअर डेंसिटी, राइट। अब क्या होता है, लाइट को इस तरह से एंटर कराया जाता है कोर में कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंटरफेस पर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसे, क्रिटिकल एंगल से। भाई कोई मटेरियल है तो उसका क्रिटिकल एंगल तो होगा, है ना, क्वार्ज के प्लास्टिक्स हैं उसके बाद ग्लास हैं इन सब के बनाए जाते हैं। बस ध्यान यही देना है कि जो अंदर का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा और आउटर सरफेस का आउटर मटेरियल का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। द लाइट इज सेंड एट द इंटरफेस सो एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। लाइट को इस तरह से फॉल कराया जाता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़्यादा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, देन इट गोज TIR और वी कैन से मल्टीपल TIR, अंदर ही रहेगी लाइट बाहर जाएगी नहीं एंड एट अ टाइम इट कम्स आउट
ऑफ द फाइबर इवन इन द क्वाइल फॉर्म। अगर स्टेट नहीं भी है, क्वाइल फॉर्म में भी है, तो भी लाइट यहाँ से उधर और फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा ऑर्गन का। अगर मान लिया स्टोमक के ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा और फिर लाइट यहाँ पर आ जाती है जो मॉनिटर पर देखा जा सकता है। बच्चों आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।